अस्सलाम वालेकुम। पिछली एपिसोड बेहतरीन थी, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सस्पेंस, एक्शन हर तरफ से बेहतरीन थी और अब आने वाली एपिसोड में एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। उस्मान बे किते किला फतह करना चाहते हैं और बेंद्र बे का बदला लेना चाहते हैं और पीछे भी नहीं हटेंगे। पहले भी कभी उस्मान बे पीछे नहीं हटे थे, इस बार भी पीछे नहीं हटेंगे। आने वाली 1 से 2 एपिसोड में एक बड़ी जंग होगी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे सीजन 2 में जंग हुई थी वैसे ही ये जंग होगी। बहुत बड़ी जंग होगी, बहुत लेवल पर जंग लड़ी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि वो जंग समुद्र के किनारे होगी, जैसे सीजन 4 के आखिर में हुई थी। लेकिन सीजन 4 वाली तो छोटी जंग थी, अब जो जंग दिखाई जाएगी ये बहुत बड़ी जंग होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 2 में हुई थी। खैर, अगर बात करें आने वाली एपिसोड में क्या क्या होगा, तो नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं, जंग की तैयारी की जाएगी। जब एपिसोड खत्म होगी उस वक्त मेरे ख्याल में उस्मान पे मुहासरा कर चुके होंगे। आने वाली एपिसोड में मुहासरा किया जा सकता है। खैर, जो इमरान तेगर है वो शादी को रुकवाने की कोशिश करेगा, और जैसा कि ओलिविया का कहना था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसमें उनके बीच अफरा तफरी फैल जाएगी, वो ऐसा क्या कर सकती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं, ये होलोफ्यूरा की मासी है और जाहिर सी बात है इसी का ही ये फायदा उठाएगी, इसको भड़काएगी ताकि उनके खिलाफ हो जाए और उनके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे इनकी आपस में अफरा तफरी फैल जाए। मजीद इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, और जो दूसरे टॉपिक है उनके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।